आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज जो हम लोग आए हैं डिस्कस करने के लिए, किस पर? CUET BCOM एंट्रेंस पे। चाहते हैं तो उन्हें बता दें कि आज से हम लोग, ठीक है, यूनिक ऑनलाइन गुरु, ठीक है, जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू से आप सब लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप सब लोग पढ़ सकिएगा और आप सब लोग एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, ठीक है। तो आज का जो सिंपल सेशन जो है वो है सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग किसी की तैयारी करते हैं तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी करने वाले हैं तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि CUET में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात, CUET सिलेबस 2022, ठीक है, किसका? अकाउंटेंसी। हम लोग अकाउंटेंसी का सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, कि डोमेन सब्जेक्ट ही आपके कॉमर्स के पेपर है, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट कोई और कहीं से नहीं आया है, वो आपके कॉमर्स के पेपर है, ठीक है। जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट में आपका क्या क्या दिया गया है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ठीक है, जो भी आप लेना चाहेंगे, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है, आप जो लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। दूसरा, लैंग्वेज पर क्या है, जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जनरल टेस्ट देना चाहेंगे या नहीं, ठीक है। इसीलिए CUET जो एग्ज़ाम करवा रही है, CUET के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो दो स्लॉट में होंगे। कितने स्लॉट में? दो स्लॉट में होंगे, स्लॉट वन और स्लॉट टू, ठीक है। स्लॉट वन में आपके डोमेन पेपर होंगे, डोमेन पेपर मतलब आपके कॉमर्स के पेपर, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स पेपर ही देंगे, है ना। तो आपका क्या होगा, कॉमर्स पेपर, ठीक है। और स्लॉट टू में क्या होगा, जनरल टेस्ट। अगर आपने जनरल टेस्ट भरा है तो आप जनरल टेस्ट दीजिएगा। और जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा, सॉरी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, ये सारे कुछ आपसे पूछे जाएंगे। बट आपका मेन फोकस जो है किस पर रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट पर, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट क्या है, डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमें इस पर फोकस करना है, ठीक है। ये तो आपका ऑप्शनल है, आप लिए होंगे तो आप जनरल टेस्ट का तैयारी करिएगा, बट अभी हमें कॉमर्स के पेपर का डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का सबसे पहला हेडिंग आपको जो दिख रहा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टली क्या बोलते हैं, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप खुद ही देखिएगा जब आप पेपर दीजिएगा CUET का, अब देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आफ्टर दैट, अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप, ठीक है। और पार्टनरशिप आपके पास तो पार्टनरशिप का बुक भी होगा, एक पूरा हम लोग बुक पढ़ते हैं कॉमर्स में क्लास 12 में, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से जितने भी क्वेश्चन है, चाहे पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म्स, ठीक है, ये सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप पे एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है, वो क्या होता है, पार्टनरशिप डेट। और पार्टनरशिप डेट से तो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, डेफिनेटली इन सारे से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आते हैं अकाउंटिंग फॉर द शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इसपे शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर एंड डिवेंचर, शेयर के बारे में पढ़ा होगा, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर एक तरह से बोले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर बोलो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट्स है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे शेयर से, ठीक है।
इसलिए शेयर्स को मैं बार बार बोल रही हूँ कि शेयर्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक आपने शेयर्स के बारे में नहीं पढ़ा था या फिर पढ़ा उतना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए होंगे तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज शेयर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इससे। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन। यस, ये हेडिंग कि एक फाइनेंशियल पोजीशन से आपका जो फाइनेंस, अगर जितना ज़्यादा आप इनकम अर्न करिएगा उससे आपको भी पता है कि आपका बिजनेस का जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर या फिर आपका बिजनेस ही थोड़ा क्या पोजीशन में आएगा, ठीक, क्या चेंजेस आएंगे वो आपको देखने को खुद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, चाहे अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, अकाउंटेंसी के पार्ट में। ठीक है, आगे देखा जाए उसके बाद ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड यूजिंग द कंप्यूटराइज कंप्यूटर सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, ये अकाउंटिंग के पार्ट है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये जितना भी हम लोग डिस्कशन किए किसका किए, अकाउंटेंसी का, और अकाउंटेंसी के पार्ट में हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटेंसी से क्वेश्चन, क्योंकि अकाउंटेंसी हमारा थोड़ा बड़ा है, बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे उससे। अब आते हैं बिजनेस स्टडी से, जैसे कि सीयूईटी में ऑप्शनल है, सब्जेक्ट को ऑप्शन कर दिया गया, चाहे अकाउंटेंसी लो, बिजनेस स्टडी या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो हुआ, अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट लेते हैं आपका डोमेन पेपर यही हो जाएगा, तो आपसे को पता है कि अगर अकाउंटेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कितने पूछे जाएंगे, 40 out of 50। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, जैसे 40 से क्वेश्चन ज़्यादा आप कर लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नंबर पड़ेगा, नहीं, आपको 40 ही क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, और पर क्वेश्चन 5 marks के हैं, आपको पता है। ठीक है, अभी हम लोग मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या डोमेन पेपर का मार्किंग स्कीम है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बिजनेस स्टडी पे आते हैं, बिजनेस स्टडी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। आपको बता दें, अकाउंटेंसी में आपने जो सिलेबस देखा वो किसका था, क्लास 12th का था, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 12th के बुक से पूछा जाएगा, मतलब चैप्टर से ही पूछा जाएगा, या 11th के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारे बेसिक अकाउंटिंग के जो जितने भी क्वेश्चंस वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करिए, ताकि आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम MCQ क्वेश्चन करेंगे तो MCQ क्वेश्चन सीधे बोलता है कि क्या चाहिए आपको, कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक है, बिजनेस स्टडी एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा पूरे सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो जो ये चैप्टर्स हैं मैनेजमेंट का पार्ट, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, 14 प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के हैं वो तो आपको याद रहेंगे, बट आप किस तरह से 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे उसको समझिए कि ये किस प्रिंसिपल का बात किया जा रहा है, कब समझिए, जब आप अंडरस्टैंडिंग आपको होगा, जब आप पूरा एकदम कंसेप्ट लेकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन डिस्कस करें आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और क्वेश्चन समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस फाइनेंस। ओके, यहाँ पर जितना है, यहाँ से यहाँ तक आप देखा जाए, क्या है, ये बिजनेस का फंक्शन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बोला जाए तो मैनेजमेंट का फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शन। और इनसे ये तो एक अलग अलग हेड में एक चैप्टर भी बटे हुए हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एंड स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक
ठीक है. अब आता है बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस अगर आपके आपने बिजनेस फाइनेंस पढ़ा हो तो ठीक है. मेरे मोस्टली क्या होते हैं स्कूल्स में बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट होते भी और नहीं भी होते. अगर नहीं भी है कोई दिक्कत की बात ही, हम लोग जिस तरह से क्वेश्चन करेंगे, मैंने पहले बोला जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के साथ डेफिनेटली आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस से भी क्वेश्चन आएंगे. फिर आएगा फाइनेंस, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट. ठीक है, एंटरप्रेन्योर को हम लोग शॉर्ट बोला जाए तो स्मॉल बिजनेस के बारे में डिस्कशन होगा. ठीक है, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं किसके बिजनेस स्टडी के बारे में. ठीक है, बिजनेस स्टडी से क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इन सारे टॉपिक को ऐसा पढ़ें कि कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे. ठीक है, आप लोग एक और सब्जेक्ट देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर भी आपको लोग के लिए इम्पोर्टेंट. अगर जो लोग परस्यू किए होंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इन्हें ये सारे टॉपिक्स सारे हेड्स को कवर करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे. देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एंड इंट्रोडक्शन, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. ठीक है, ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड. ओके, फिर इंट्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर ऑफ सप्लाई. ठीक है, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर जो हमारा है उसे उस पर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, अब आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट. यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन आप सुने ही होंगे, ओलिगोपोली. ठीक है, ये सारे जो जितने भी हेड्स हैं वो सारे हमें किसे पढ़ना पड़ेगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन में. ठीक है, और इनसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चाहे अगर आपने 12th का एग्जाम भी दिया होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे. तो ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा. स्पेशल एप्लीकेशन एंड टूल्स ऑफ डिमांड. ठीक है, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक्स के पार्ट है. ठीक है, इकोनॉमिक्स से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आप देखिए, अब है सप्लाई कर्व. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग. और ये बैंकिंग पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आरबीआई के बारे में पूछेंगे, कमर्शियल बैंक के बारे में पूछेंगे. ठीक है, कि कमर्शियल बैंक, कितने कमर्शियल बैंक हैं. ठीक है, कितने नेशनलाइज बैंक हैं. ठीक है, और आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था. ठीक है, और क्या क्या आरबीआई के रेट्स हैं. ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, मनी बैंकिंग पार्ट में. ठीक है, अब आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, तो ये हमारा इकोनॉमिक का पार्ट था. ठीक है, हमारा मतलब कि हमें डोमेन सब्जेक्ट में, हमारे जितने डोमेन सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लिए कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे. तो अगर वन बाय वन करके हम लोग सारे टॉपिक्स को देखेंगे तो सारे टॉपिक्स को जो हम लोग कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे. ठीक है, आपको पता है कि अगर हम लोग एक टॉपिक को उठाएंगे उसको क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं यही कि एक एक करके सारे टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि आपको दोनों चीज़ आपको मिले. ठीक है, क्वेश्चंस भी मिले, मैक्सिमम क्वेश्चंस करिएगा, और इसके साथ कंसेप्ट के साथ. ठीक है, अब आते हैं पैटर्न का बात करते हैं. ठीक है, पैटर्न ज़्यादा पैटर्न कुछ है नहीं. आपको मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया, दो स्लॉट में एग्जाम होगा, स्लॉट वन एंड स्लॉट टू. ठीक है, दो में एग्जाम होगा. स्लॉट वन में आपका क्या होगा, डोमेन पेपर होगा. और इसमें क्या होगा, इसमें जनरल टेस्ट. ठीक है, जनरल टेस्ट आपका ऑप्शनल है. ठीक है, दो स्लॉट में एग्जाम होंगे, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ये आपका नून आफ्टरनून टाइम में होगा. ठीक है,
उसके बाद डोमेन पेपर आपका कंपल्सरी पेपर है और ये ऑप्शनल है, ठीक। आता है मार्क्स का, इसमें क्या होता है, इसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे ना कि अरे यार हमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन करके चल जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। आप कितना भी करना होगा आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर नंबर भी मिलेगा तो आपको 40 क्वेश्चन का ही नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा करिएगा तो कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। बात तो हो गया, ये है कि पहला, अगर आप अकाउंटेंसी चूज करते हैं तो अकाउंटेंसी के 40 क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस स्टडीज चूज करते हैं तो बिजनेस स्टडी के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब दो सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आता है मार्क्स का, आप अगर पर क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन करिएगा उस पर आप कितना पाइएगा, 5 मार्क्स, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, सही करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर गलत कर दिए, ठीक है, गलती भी हो जाता है, अगर आप गलत करते हैं मतलब कि नेगेटिव मार्किंग, तो कितना होगा आपका, 1/5 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो जब हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिए कि हमें क्या पढ़ना है, और हमें ये भी जान गए कि अगर हम क्वेश्चन सही करेंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, तो आप अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम जल्द होंगे, ठीक है। तो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन सबको मैं बोलूँगी कि आप तैयारी कीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो ड्रीम है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, ठीक है, वो पूरा हो सके, ठीक है। और हमारे थ्रू से आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, ओके। तो हम लोग कल से अपना क्लास देखेंगे कि कैसे हमने स्टार्ट क्लासेस देखेंगे, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।